तो डॉक्टर मरीज को एजुकेट नहीं कर पाता है और सीधे दवा लिख देता है, और दवा लिखता है और कुछ दिन के बाद आपको मेडिसिन का पावर बढ़ाते जाएगा, डोज बढ़ाते जाएगा, और लास्ट में आपको इंसुलिन का इंजेक्शन बना जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली यही हो रहा है। लेकिन डॉक्टर को चाहिए, अगर उनके पास फुर्सत नहीं है, तो एक ऐसे जूनियर डॉक्टर को चाहिए कि डायबिटीज क्या है या बीमारी क्या है, कम से कम मरीज को एजुकेट करे। तो मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं एजुकेट करना चाहता हूँ कि व्हाट इज डायबिटीज, डायबिटीज क्या है, इसको समझने की जरूरत है। और जो आजकल जो प्रचलन में जो डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, उससे डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जड़ को समझने का जरूरत है। डायबिटीज को समझने के पहले हमारा शरीर में एक हमारा अंग है, पार्ट है, जिसका नाम है पेंक्रियाज। तो पहले पेंक्रियाज को समझना पड़ेगा कि उसका वर्क क्या है, काम क्या है। एक्चुअली हम लोग जो भी चीज खाते हैं तो लीवर उसका पाचन करता है, सबको पचा देता है, और पाचन क्रिया होने के बाद जितने भी चीज है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। आखिर हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता है? अगर हमारे शरीर को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हम सुसुप्ता अवस्था में रहेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा। इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि जो भी चीज खाएंगे उसका ग्लूकोज का पार्ट आपको मिलना ही मिलना है, तभी हमको एनर्जी मिल पाता है। तो पहले हमें ये समझना है कि एक्चुअली ग्लूकोज हम जो हमको मिलता है वो किसको मिलता है, उसका कंजम्पशन कौन करता है। तो देखिए, हमारा बॉडी है असंख्य सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है, और जो भी चीज हम खाते हैं लीवर हमारा उसको पाचन करता है और ग्लूकोज बनाता है, और हमारे जितने भी सेल्स हैं उसका भोजन है ग्लूकोज। इसको समझने की जरूरत है। जैसे कि आप बहुत थके माने हैं, आपको एक गिलास जब शरबत मिलता है तो तुरंत फ्रेशनेस महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ग्लूकोज मिल रहा है आपको। जब डायरेक्ट ग्लूकोज सेल्स को मिल जाता है तो शरीर फुर्तीला हो जाता है, उसको एनर्जी मिल जाता है, आदमी कुछ ना कुछ काम करने लगता है। लेकिन शेष का भोजन है ग्लूकोज। हम तो इसका मतलब है जो जितना ज्यादा मीठा खाएगा तो शेष को उतना भोजन मिल जाएगा, ये सही बात है। लेकिन होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। डायबिटीज की बीमारी में होता क्या है, हमारा पेंक्रियाज जो है इंसुलिन कम बनाता है या सही ढंग से नहीं बना पाता है। अब इंसुलिन का वर्क क्या है, हमारा जो सेल्स है वो ग्लूकोज तो खाता है, उसका भोजन है, लेकिन उसको मीठा पसंद नहीं है। अब ये कठिनाई है, अब ग्लूकोज का टेस्ट होता है मीठा, वो मुंह ही नहीं खोलता है सेल्स। तो अब उसको मुंह खोलने के लिए हमारे शरीर में जो हमारा एक अंग है पेंक्रियाज, वो क्या करता है, एक जूस छोड़ता है। मैं टेक्निकल बात नहीं बोलूंगा क्योंकि सबको समझ में आ जाए, एक जूस छोड़ता है। वो जूस का काम क्या है कि उसके ग्लूकोज को मिठास को बदल देना, उसको कड़वा कर देना, उसको टेस्ट को चेंज कर देना। आज जब वो टेस्ट को चेंज कर देता है ग्लूकोज को, तब हमारा सेल्स खाने लगता है, क्योंकि मीठा उसको पसंद है नहीं है। तो जब सेल्स खाने लगता है तो हमारा जो ग्लूकोज का कंजप्शन हो गया तो हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। जब वही पेंक्रियास काम नहीं करता है तो आपका सेल्स ग्लूकोज ले नहीं रहा है, तब जब जांच कराएंगे तो ग्लूकोज बढ़ा हुआ पाएगा। आज जब वही सेल्स ग्लूकोज लेना शुरू करेगा तो आप जब जांच कराएंगे तो आपका शुगर का लेवल कम पाया जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। तो हमें काम किस पर करना है, डॉक्टर क्या करते हैं कि ग्लूकोज के कंजम्पशन के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन डाल देते हैं। जब इंसुलिन का इंजेक्शन डॉक्टर लोग डाल देता है तो उसका टेस्ट तो
चेंज हो जाता है ग्लूकोज का, लेकिन काफी नुकसानदेह हो नुकसान करता है, उससे ब्लड में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। ब्लड का आपका देखिए, ब्लड में जब मात्रा से ज्यादा कोई एसिड चला जाए तो कहीं ना कहीं अंग को डैमेज करता है, तो वही काम करता है इंसुलिन। लेकिन जो हमारा पेंक्रियाज है, आवश्यकता के अनुसार जितना जरूरत है इंसुलिन छोड़ने का उतना ही इंसुलिन छोड़ता है, तो हमारा बैलेंस बना रहता है। तो मेन डायबिटीज को समझने के लिए सबसे पहले हमारा जो पेंक्रियाज है, जो लीवर के नीचे रहता है, उसको सही करने की आवश्यकता है। उसको सही करने के लिए इंसुलिन उसका उपाय नहीं है। उसको सही करने के लिए डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक करने से होता क्या है, हमारा पेंक्रिया जो है स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट होता है, इस ढंग का छोटा सा है पेंक्रियाज है जो लीवर के नीचे रहता है, इसी से जूस निकलता है। तो जब हमारा ये पेंक्रियाज जब हिलता डुलता है, स्टिमुलेट होता है, तो ये यहां से इंसुलिन छोड़ता है, और जब इंसुलिन छोड़ेगा और ग्लूकोज के साथ मिलेगा, उसका टेस्ट चेंज करेगा, तो हमारा जो सेल्स है वो भोजन ग्रहण करने लगता है। तो हमें इसको ठीक करने की जरूरत है। जितना ज्यादा पैदल चलेंगे, जितना ज्यादा सवेरे में मॉर्निंग वॉक करेंगे, उतना ही ज्यादा वो इंसुलिन छोड़ेगा और आपका ग्लूकोज का लेवल को बैलेंस करके चलेगा। यही मेन आपका पेंक्रियाज का फंक्शन है। और दूसरी बात, हमें कुछ दवा भी लेनी पड़ सकती है, आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेदिक दवा से होता क्या है कि इस पेंक्रियाज पर वर्क करता है, पेंक्रियाज को सही करेगा तो उसका इंसुलिन का सही मात्रा बनेगा, तो धीरे धीरे आपका जो डायबिटीज का बीमारी जिसको कहते हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन पेंक्रियाज को ठीक करना है, न कि डायरेक्ट ब्लड में इंसुलिन को डाल देना है। इंसुलिन को डालने से बहुत सारे बीमारियां और हो जाती है, हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है सब उसी सब का देन है, लेकिन डॉक्टर लोग तो समझ नहीं पाता है, उसके चक्कर में कई बीमारी हो जाएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आपका एसिड ब्लड में जा रहा है। तो मैं इतना ही कह के आज के लिए लेक्चर बंद कर देता हूँ। डायबिटीज क्या है हम समझते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। धन्यवाद जी। हाँ जी, का निचोड़ यही हुआ कि किसी तरह से हमारा पेंक्रियाज स्टिमुलेट हो, चाहे जो भी हो, एक्सरसाइज से हो, कसरत से हो, व्यायाम से हो, लेकिन इसका स्टिमुलेशन इज मस्ट, समझे कि नहीं। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि करेला खाइए, जामुन खाइए। तो करेला जामुन खाने का मतलब क्या होता है, टेस्ट को बदलना। हम जो भी खा रहे हैं और जो मीठा मिठास जो पैदा हो रहा है, तो कम से कम करेला जामुन या कोई कड़वा चीज जो खाएंगे तो उस टेस्ट को बदल देगा, उसके ग्लूकोज को मिठास को बदल देगा। तो मिठास को बदल देगा तो हमारा जो सेल्स है वो खाना शुरू करेगा। जब सेल्स खा लेगा तो ब्लड में जो जो ग्लूकोज घूम रहा है वो कम हो जाएगा, स्वतः बात है। तो फॉर्मूला वही है, आपका सेल्स जो है किसी तरह से ग्लूकोज को खाए, उसके लिए उसके स्वाद को बदलना बहुत जरूरी है। और स्वाद के बदलने के लिए यही सब उपाय है, करवा खाइए, प्याज खाइए, करेला खाइए, जामुन खाइए, जो करवा चीज है वो खाइएगा, आपका ग्लूकोज लेवल डाउन रहेगा। नीम भी खाइए, कोई भी करवा पदार्थ आपको जो लगता है प्रकृति में कसैदा चीज, उसको खाइएगा तो आपका मिठास जो है से कम रहेगा और आपका जो सेल्स है उस ग्लूकोज को ग्रहण करेगा और आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम रहेगा। और नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहेगा, ब्लड में वो घूमते रहेगा, जब जांच कराएगा कराइएगा तो
तो ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिलेगा, आप अननेसेसरी परेशान होंगे। तो मेन इसका फंडा यही है कि किसी तरह से आपको पेंक्रियाज को सही रखना है और कड़वा चीज खाना है जिससे उसका मिठास कमे ग्लूकोज का और आपका सेल्स उसको ग्रहण कर ले। इतनी सी बात पर आज का जी। हाँ बीपी पर, मैं बीपी पर थोड़ा सा 5 मिनट में इसका क्लास ले लेता हूँ। देखिए समझना है कि बीपी क्या चीज, पहले तो समझना है कि बीपी क्या चीज है। देखिए बीपी कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, इसको बीमारी हम नहीं मानते हैं। ये पैदा होता है मस्तिष्क से। आप जिस समय जरूरत से ज्यादा सोचेंगे कोई विषय पर, आप देखेंगे उस समय आपका बीपी बढ़ जाएगा, या आप तेज चल करके आएंगे, सीढ़ी चढ़ करके आएंगे तो देखेंगे बीपी बढ़ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप कितना भी दवाई बीपी का खा लेंगे और दिमाग आपका शांत नहीं रहेगा, आपको कभी भी बीपी ठीक नहीं होगा। और एक चीज और मैं बता देता हूं, जो आज आजकल जो प्रैक्टिस में चल रहा है, अब उनको डॉक्टर लोग की पढ़ाई ही यही है, उनकी लाचारी है दवा देने का। एक्चुअली बीपी का जो भी हम लोग दवा खाते हैं उस दवा से कभी भी बीपी ठीक हो ही नहीं सकता है। एलोपैथ में कंट्रोल होता है, क्योर नहीं होता है। मैं चीज बताता हूँ, जब तक लिए बीपी का दवा खाते रहेंगे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, जिस दिन छोड़ देंगे फिर बीपी बढ़ जाएगा। तो आपको समझना है कि कंट्रोल और क्योर दोनों अलग बात है, आपको क्योर की ओर जाना है। हाँ जब इमरजेंसी है उस समय जरूरी भी है आपको कंट्रोल करना, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन उसका कंट्रोल नहीं है, उसका क्योर है। और देखिए हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में ही हर चीज का स्विच है, वहीं से कंट्रोल होता है। तो जब आपका ब्रेन सही रहेगा आपका बीपी स्वतः सही हो जाएगा, और ब्रेन सही नहीं रहेगा, आप अगर सोचते रहेंगे उल्टा पुल्टा झगड़ा झंझट की बात सोचते रहेंगे, तो कोई भी टेंशन की बात लेंगे, आपका बीपी कभी नहीं ठीक हो सकता है। और डॉक्टर जो दवाई दे रहा, मैं बता देता हूँ क्या चल रहा है आजकल। डॉक्टर जो बीपी का दवा देते हैं तो बीपी कम तो जरूर जाता है, धीरे 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 आप साल साल के बाद 2 साल के बाद उसका पावर बढ़ाते जाएगा डॉक्टर, पावर बढ़ाते चला जाएगा, आपको लगेगा मेरा ठीक है, पावर बढ़ाते जाएगा, लेकिन आपको उसे दूसरी बीमारी और हो जाएगी, आपका हार्ट का बीमारी हो जाएगा। पावर जब बढ़ेगा तो हार्ट पर भार पड़ने लगेगा ना, तो हार्ट का प्रॉब्लम होने लगेगा। आप देखिएगा अक्सर जो बीपी के पेशेंट होते हैं तो डॉक्टर बोलेगा कि आप एक काम कीजिए, आप जैसे हार्ट के भी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, किडनी के डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, वो भी बोलता है आपका किडनी भी डैमेज होगा, तो हार्ट का जो दवा खा रहे हैं उससे किडनी भी डैमेज होता है। अब उसकी वो हार्ट का ट्रीटमेंट के क्या चीज है मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, वो दवाई करता क्या है। देखिए हमारे शरीर में जनरली 5-5.5 लीटर के आसपास में थोड़ा प्लस माइनस ब्लड रहता है, ठीक है ना। अभी जो पढ़ाई जो है मेडिकल साइंस में क्या है कि अगर आपके बीपी को घटाना है तो ब्लड वॉल्यूम को घटा दो। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि आपके घर में ओवर एक टैंक होगा पानी का, जब पानी का टैंक पानी से फुल रहता है तो नल में प्रेशर कम रहता है, और जब टैंक फुल हो जाएगा ओवर टैंक तो आपका नल में प्रेशर बढ़ा रहता है। इसी प्रिंसिपल पर डॉक्टर लोग दवाई लिखता है। जैसे आपके शरीर में ब्लड का जो वॉल्यूम है करीब 5.5 लीटर जो भी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि अगर बीपी घटाना है तो शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड है उसको वॉल्यूम को घटा दो, वॉल्यूम घट जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पर अभी अभी चल रहा है जो मेडिकल साइंस जो है, इसी फॉर्मूले पर चल रहा है। तो आपको जो भी दवाई डॉक्टर देता है बीपी का, जी हम बता देते हैं, हम आगे भी बता रहे हैं। देखिए
आपका जो डॉक्टर जो भी बीपी का दवा देता है, तो आपको ब्लड के वॉल्यूम को घटाने की दवा है, उसका फंक्शन है घटाना, डायूरेटिक, उसको घटा देता है, वॉल्यूम को ही घटा देता है। पतला करने वाला भी दवाई अलग है, वो भी दवाई देता है डॉक्टर। अब हम बता देते हैं उसका भी रीजन क्या है। देखिए, बीपी का जो दवाई आप खाएंगे, खाते खाते लास्ट में आपका हार्ट का प्रॉब्लम होगा, और जब हार्ट का प्रॉब्लम होगा उस डॉक्टर को पता है, जब हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो ब्लड को, ब्लड थिनर भी आपको लिखेगा, क्योंकि जब हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो ब्लड को पतला करना पड़ेगा, उसको पता है आगे क्या होने वाला है। तो कुछ दिन के बाद आपको ब्लड थिनर भी देना शुरू करेगा डॉक्टर, जिससे कि आपका ब्लड पतला हो और फिर आपको हार्ट का जो प्रॉब्लम होने वाला है फिलहाल बचे रहे, लेकिन प्रॉब्लम तो हो चुका है, उसको केवल कंप्रेस कर देता है, दबाता है, लेकिन प्रॉब्लम आपको है। इसलिए जो एलोपैथ में जो दवा जो भी बीपी का है वो उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, दैट इज ओनली फॉर कंट्रोल, क्योर नहीं है। क्योर के लिए आपको खुली हवा में घूमना पड़ेगा, दिमाग को स्थिर करना पड़ेगा, आसन व्यायाम करना पड़ेगा, और खान पान में थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, गलत सलत चीज नहीं खाना पड़ेगा, सादा भोजन करना पड़ेगा, ये सब मेन लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये बीपी कंप्लीट लाइफ स्टाइल डिजीज है, इसको समझने का चीज है, ये बीमारी नहीं है। आप जिस दिन से लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे, आपका बीपी धीरे धीरे सही रास्ता पर आ जाएगा, आपको कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं है। तो हम समझते हैं कि शुगर और बीपी मोटा मोटी दोनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहीं पर अपना लेक्चर को खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।